पार्टी है जिंदाबाद 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 आवाज दो आज हमारा यूनेस्को तक में जाते हैं वहाँ भी हमारे देश की वाहवाही होती है कि हमने इतने करोड़ खाते खोल दिए। किसने खोले वो खाते? सरकारी बैंकों ने खोले होंगे ना? अवश्य होगा सर, पहले भी बहुत सी चीज़ें हमारे अगेंस्ट गई हैं जिसका समाधान हमने इंस्टाई के माध्यम से और अपनी बातचीत के माध्यम से निकाला है सर। यूनिटी में बहुत ताकत है सर, बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं, बैंक का बहुत बड़ा सेक्टर है। का धन्यवाद जो आप हमें कवर कर रहे हैं। हम यहाँ से लेके SBI तक जाएंगे और हम इसमें जनता के साथ हैं। बैंकों का ये जो बंद करने का विचार कोई ये नहीं है कि हम जनता को परेशान करना चाहते हैं, हम जनता का साथ देने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये सरकार बार बार जनता विरोधी नीतियाँ लेके आती है और जो ये सरकार बोलती है वो करती भी नहीं है। अगर इतना ही अच्छा होता बैंकों का प्राइवेटाइजेशन तो 69 में आज़ादी से लेकर तब तक पूरा देश ने देखा क्यों किया हमारा प्राइवेटाइजेशन से लेके सरकारी बैंकों को सरकारी में क्यों किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया तो कुछ लोगों के फायदे के लिए किया गया होगा ना। तो वही चीज़ है, उसी को अब सरकार वापस प्राइवेटाइजेशन में लेके जा रही है। आज अगर देखें तो गरीब लोगों को प्राइवेट बैंक लगभग सरकारी बैंकों के बराबर है। टोटल देश में 22 बैंक है, 22 में से केवल 12 सरकारी हैं तो 10 प्राइवेट बैंक हैं, यानी के बराबर हैं, उतने ही सरकारी है उतने ही प्राइवेट। आज कोई गरीब आदमी कोई भी हमें दिखाओ प्राइवेट बैंक में जिसका अकाउंट हो, तो इन गरीब लोगों को सेवा कौन देगा? आज हमारा यूनेस्को तक में जाते हैं वहाँ भी हमारे देश की वाहवाही होती है कि हमने इतने करोड़ खाते खोल दिए। किसने खोले वो खाते? सरकारी बैंकों ने खोले होंगे ना? एक तरफ तो तुम सरकारी बैंकों का बोल रहे हो के भी जनता के असल में सेवक यही है, सरकारी बैंक है। दूसरी तरफ उनको तुम सरकारी से प्राइवेट में लेके जा रहे हो, तो ये क्या है? मतलब गरीब लोगों को कोई उन कुछ मिलना नहीं चाहिए क्या, कोई फायदा? तो निजीकरण का अगर इतना ही अच्छा है निजीकरण प्राइवेटाइजेशन, तो उनमें उनको सुविधा दिलाओ। अब जो भी है लोन की सुविधा लगा लो, किसी भी हमें दिखाओ किसी गरीब आदमी को किसी प्राइवेट बैंक ने दिया हो लोन, तो ये सब कौन देगा? अगर वो नहीं देते हैं तो या तो तुम कुछ ऐसा करो सभी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए वहाँ से उनको ये करवाओ, एहसास करवाओ कि हाँ ठीक है प्राइवेट में हो सकता है, वो नीतियाँ लेके आओ उसके बाद कुछ करो। अगर दो दिन में आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या करेंगे? आगे जो भी हमें ऊपर से आदेश मिलेगा AIBA का या हमारी यूनियनों का वो हम करेंगे। उसमें हो सकता है कि ये इंडेफिनेट स्ट्राइक के लिए भी जा सकते हैं। कॉमरेड भूपेंद्र है और मांगे हमारी जो दो दिन की स्ट्राइक आपके सामने जो आज शुरू हुई है, इसका मेन मुद्दा करने का और होने का ये है कि अब जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है उसको रोकने के लिए, उसको सरकार को चेताने के लिए दो दिन की स्ट्राइक कॉल की गई है। ये हमारी ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन है जो सभी बैंकों की जो हमारी यूनियंस है कंबाइंड जॉइंटली सबका ऑफिसर और क्लरिकल कैडर का सबका जॉइंटली है। आगे दो दिन का सरकार को दिया अल्टीमेटम सर, उसके बाद सरकार क्या डिसीजन लेती है हमें कॉल करके बुला के हमारी समस्याओं का समाधान करती है तो ठीक है, नहीं ऊपर से जो आदेश आएगा इंडेफिनेट स्ट्राइक के लिए भी आएगा तो हम जाएंगे सर उस पर। अवश्य होगा सर, पहले भी बहुत सी चीज़ें हमारे अगेंस्ट गई हैं जिसका समाधान हमने स्ट्राइक के माध्यम से और अपनी बातचीत के माध्यम से निकाला है सर। यूनिटी में बहुत ताकत है सर, बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं, बैंक का बहुत बड़ा सेक्टर है। क्या नाम है सर? मेरा गुड नेम भूपेंद्र है सर।